जम्मू कश्मीर को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जब आप जम्मू कश्मीर को डिवाइड करते हैं तो आपको दो यूनियन टेरिटरी मिलते हैं, एक तो जम्मू कश्मीर मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा हमको, लद्दाख। ठीक है, सिक्किम की हम बात करें, सिक्किम की कहानी आपने जानी होगी कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत ठीक है दो वर्ष होते हैं, एक तो 1974 और एक होता है 1975। ठीक है, और इसमें क्रमशः हमको लगाना पड़ता है 35वां संविधान संशोधन और एक लगाना पड़ता है आपका 36वां संविधान संशोधन। इस 35वें संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से हमने सिक्किम को हमारे भारत में एक सह राज्य के रूप में शामिल किया। किस रूप में शामिल किया हमने, सह राज्य। क्वेश्चन में अगर लिखा होगा सह राज्य तो आप लिखोगे वर्ष 1974 और संविधान संशोधन क्या होगा आपका 34। तो 34वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1974 में सिक्किम को हमने क्या बनाया था, सह राज्य। लेकिन ठीक अगले साल जब हमने कंफर्मेशन ले लिया कि सिक्किम हमसे दगाबाजी नहीं कर सकता, सिक्किम को हम भारत में विलय कर सकते हैं, तो हमने पूर्ण रूप से भारतीय संसद के अंदर 36वां संविधान संशोधन लगाया और सन 1975 में हमने सिक्किम को बना दिया, क्या बना दिया, पूर्ण राज्य। क्या बना दिया, पूर्ण राज्य। तो सह राज्य का क्वेश्चन भी आता है कि सर्वप्रथम सिक्किम को शामिल कब किया गया, उस कंडीशन पे आंसर क्या लेंगे, 1974। ठीक है, तो सिक्किम की कहानी यहां पर समाप्त होती है। तीसरा मानते हैं गोवा। ठीक है, कहां मानते हैं आपका, गोवा। गोवा के बारे में आपको मालूम होगा, गोवा वो राज्य है जो पहले बना था यूनियन टेरिटरी। क्या बना था, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। पहले क्या बनता है आपका, केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में बनता है क्या, बनता है आपका राज्य। ठीक है, क्या बनता है, बाद में राज्य बनता है। तो जब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, तो ये ईयर होता है 1961। क्या होता है आपका, 1961। 1961 में गोवा को क्या बनाया गया था आपका, केंद्र शासित प्रदेश, और ये बनता है राज्य कब बनता है, 1987। कब बनता है, 1987। इसके साथ बने हुए दो राज्य और भी थे, पहला राज्य होता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा होता है मिजोरम, और तीसरा कौन होता है, गोवा। 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा मिलता है और सन 1961 में इसको दमन दीव के साथ, किसके साथ आपका, दमन दीव के साथ मिला करके क्या बनाते हैं हम लोग, यूनियन टेरिटरी बनाते हैं। ये इस क्वेश्चन का हो गया एक्सप्लेनेशन। ठीक है, दो क्वेश्चन हमने उठाए, एक मैच द फॉलोइंग्स था और दूसरा सिंपल सा क्वेश्चन था, कौन सा यूनियन टेरिटरी है, ऐसे प्रश्न सरासर है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, ये आप जानते हैं पहले शुरुआत में ही जब बात होती है आपका। ठीक है, देखो शुरू के हेडिंग में लिख दिया मैंने सामान्य परिचय, सीमांत बिंदु और सीमाएं। ये हेडिंग है हमारा, मतलब इसके अंदर हम सामान्य बातों को ही शामिल करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कुछ बातें नहीं है जिसमें जो आप ना जाने, जो शुरू के 3-4 पेज में आपको ना मिले, इसलिए कहा जाता है जब भी किसी एग्जाम में देखें शुरुआत दौर के क्वेश्चन आपको तय मिलेंगे, इसे शुरू के चैप्टर्स में बिना कंफ्यूजन के आपको चीजों को रिकॉल करके रखना चाहिए, है ना। चलिए हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से पास होती है, तो राज्यों की संख्या कितनी होती है, 8। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर जिन्होंने भारत का मैप देखा होगा जीवन में पहले कभी, ठीक है, तो पश्चिम से जैसे आप पढ़ते हैं इधर, ठीक है, तो सबसे पहला राज्य हमको मिलता है गुजरात। क्या मिलता है, गुजरात। सेकंड मिलता है राजस्थान। क्या मिलता है, राजस्थान। बीच में होता है मध्य प्रदेश और हम कौन, छत्तीसगढ़। बाजू में कौन, झारखंड। फिर कौन रहेगा, पश्चिम बंगाल। फिर रहेगा त्रिपुरा। क्या रहेगा, त्रिपुरा। फिर वापस चलेंगे, पहला मैंने क्या बोला, गुजरात, सेकंड में राजस्थान, थर्ड में मध्य प्रदेश, फोर्थ में छत्तीसगढ़, फिर इधर उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद फिर त्रिपुरा, उसके बाद फिर मिजोरम। तो क्वेश्चन मान लो कभी घुमा दिया कि जो हमारी 7 सिस्टर हैं, उन 7 सिस्टर के कितने राज्य इस कर्क रेखा से होके जाते हैं, तो क्या लेंगे आंसर, 2। भाई क्वेश्चन काट सकता है क्यों नहीं काट सकता, बिल्कुल काट सकता है आपको, ठीक है। भले राज्य की संख्या कितनी आपका, 8, लेकिन उन 8 में से 2 राज्य वो हैं जो आपका किसके यहाँ पर, 7 सिस्टर के पास। ये वही 7 सिस्टर है जिसकी सबसे बड़ी सिस्टर कौन होती है आपका, असम। ठीक है, तो ये 8 राज्य है, लेकिन इसमें से कुछ बातें और भी यहाँ पे दे दिया गया है कि इस कर्क रेखा का सबसे ज्यादा विस्तार हमको मिलता है कहां पर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, विस्तार मिलता है, जबकि सबसे कम विस्तार मिलता है कहां पर, राजस्थान में, उसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। दूसरा हम देखते हैं कि जैसे मान लो कभी पूछे आपसे कि कर्क रेखा के पास स्थित शहर, तो देखो स्थित शहर का कोड बनता है गुरबा। क्या बनता है आपका, ये गुरबा। ठीक है, जी से नाम पड़ता है गांधीनगर। क्या पड़ता है, गांधीनगर। यू से बनता है उज्जैन। क्या बनता है, उज्जैन। आर से लिखा हुआ है रांची। क्या है, ये रांची। बी से है भोपाल। क्या है, भोपाल। और ए से बनता है अगरतला। क्या ये, अगरतला। तो कोड मैंने क्या बताया, मैंने गुरबा। क्या बोला मैंने, गुरबा। अरे बोलो एग्जाम में भूल जाओगे, क्या है, गुरबा। ठीक है, गुरबा। जी से क्या बोला मैंने, गांधीनगर। और गांधीनगर कहां की राजधानी है, गुजरात की। ये सब तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। उज्जैन कहां पड़ता है अपने को, मध्य प्रदेश। रांची कहां पड़ता है, झारखंड।
भोपाल कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश। अगरतला कहाँ पड़ता है? त्रिपुरा। अब क्वेश्चन में बोला कि कर्क रेखा के नजदीक स्थित दो शहर ऐसे कौन से हैं जो एक ही राज्य में स्थित हैं, तब आप कौन सा लेना पड़ेगा? मध्य प्रदेश, क्योंकि हमको भोपाल और उज्जैन दोनों कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन आप निकालोगे, क्वेश्चन आप ही निकालोगे, आंसर वहां से आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन होंगे एक स्टेप आगे अंदर के, नहीं तो सामान्य ऐसे प्रश्न आएगा कितने राज्य से गुजरता है, तब किसी भी कंडीशन पर आंसर क्या लोगे? आठ। क्या लोगे? आठ। अब इसमें मान लो आपसे पूछा जाता है कभी कि अब इन गुरबा में से, इन गुरबा में से नजदीक कौन है? आप बात कर रहे कर्क रेखा की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कर्क रेखा की। और कर्क रेखा आपको मालूम होगा, इतना अपन उम्मीद करते हैं कि कर्क रेखा जो है हमारे इस जीरो डिग्री अक्षांश के उत्तर में, कहां पर बोल रहे हैं आपको? जीरो डिग्री अक्षांश के उत्तर में। कितने डिग्री पर जाती है आपको? 23.5 डिग्री पर जाती है। अब इसी 23.5 डिग्री के ठीक नीचे हमको मिलता है गांधीनगर। क्या मिलता है हमको? गांधीनगर। और इसके ठीक ऊपर हमको मिलता है अगरतला। क्या मिलता है हमको? अगरतला। ठीक है, ये भारत के हिसाब से मैं लिख रहा हूं, यहां पर मिला गांधीनगर और यहां पर क्या मिल गया? ये अगरतला। अगर दोनों में पूछे सबसे नजदीक कौन है, एक बार क्वेश्चन में गांधीनगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, आंसर ऑप्शन में क्या दिया था आपका? अगरतला। अगरतला राजधानी किसकी आपको? ये त्रिपुरा। किसकी है? त्रिपुरा। दिमाग को थोड़ा एक्टिव रखो, ठीक है, त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है आपको? ये अगरतला। ये अगरतला जो है आपका 23.84 डिग्री, कितना मिलेगा आपका? 23.84 डिग्री। और ये जो गांधीनगर होता है आपका 23.13 डिग्री, कितना होता है आपका? 23.13 डिग्री। अब इन दोनों में से नजदीक कौन सा होगा आपका? ये गांधीनगर। क्या होगा? गांधीनगर। दोनों भी नजदीक है लेकिन दोनों में नजदीक कौन है आपका? गांधीनगर। एक बार क्वेश्चन में ऑप्शन में त्रिपुरा, मिजोरम, अगरतला नहीं दिया हुआ था, अगरतला नहीं दिया था, ठीक है, केवल क्या दिया था आपका? गांधीनगर। एक बार गांधीनगर ने दिया था और आंसर क्या दिया था आपका? ये अगरतला। तो उस समय भाई सिंपल सा बात है ना, आपने बोला 23 डिग्री, कितना बोला आपने? 23 डिग्री। और मान लो यहाँ पर होता है 30 मिनट, तो इसके नजदीक तो यही होगा। शहर का नाम हमने क्या बोल दिया आपका? गांधीनगर। और जो रांची है ना, वो रांची एग्जैक्टली इस रेखा पर है। रांची शहर ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, एकदम कहां पर आपका? इस कर्क रेखा में है। तो तीन विशेषता मैंने बताई, ठीक है, कि अगर पूछेगा कि कर्क रेखा के दक्षिण में सबसे करीब शहर कौन सा होता है, तो गांधीनगर। क्योंकि भाई ये कर्क रेखा है, कौन सी रेखा? ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा के दक्षिण में जो शहर का नाम मैंने क्या लिखा है? गांधीनगर। कौन सा नगर है? गांधीनगर। और इसके उत्तर में कौन सा? ये अगरतला। और ऑन द लाइन कौन है? ये रांची। ठीक है, तो रांची शहर एकदम कर्क रेखा पर स्थित है, जबकि अगरतला इसके कहां पर है? उत्तर में है। अक्षांश आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी मैंने बताया कि दूर है कि पास है, इसको जज करने के लिए इतना जान लो, 23.84 डिग्री और कितना है? 23.13 डिग्री। ये हमने बताया ताकि आपको चीजें दिमाग में थोड़ा सा कैलकुलेटिव याद रहे। ये हो गया, अब उसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का विषय है। ये सोचो विवाद कई साल पहले का है, लेकिन आज भी इससे प्रश्न उठता है, मतलब इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय विवाद की सीमा है। तो हम देखते हैं भारत बांग्लादेश के मध्य, जो हम बताते हैं, जो आंसर क्या लिया आपका? न्यू मोर। क्या लिया आपका? न्यू मोर। अब जो हमारा नया क्वेश्चन बन के आता है कि भारत बांग्लादेश के मध्य जो विवादित द्वीप है उसका नाम पड़ता है न्यू मोर, या उसको किताबें लिखती है न्यू मोरे। क्या लिखता है? न्यू मोरे। न्यू मोरे आइलैंड की हम बात करें, ये पहले विवादित क्षेत्र है, अभी भी है। इस पे विवाद, जब समाधान की हम बात करें तो ले दे के समाधान होता है आपका 100वें संविधान संशोधन से। कौन सा था आपका? 100वें संविधान संशोधन से, जिसको हमने लाया था सन 2016 में। कब लाया था हमें? 2016 में। ये क्वेश्चन देखो वर्ष 2016 का है, बट पूछ रहा है आपका 2000, कब की बात है आपका? 21 में। तो ये कुछ नहीं कह सकते कि पुराने प्रश्न नहीं आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। 16 का विवादित मुद्दा समाधान हो चुका है, उसके बावजूद प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए बता रहा हूं कि संविधान संशोधन कौन सा नंबर था आपका? ये 100वां। तो 100वें संविधान संशोधन से भारत और बांग्लादेश के मध्य जो एक विवादित द्वीप है, नाम क्या उसका आपका? न्यू मोरे। आखिर इसमें विवाद किस बात का है? इसमें विवाद है कि इस न्यू मोर आइलैंड में हमको मिलते हैं प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार। क्या मिलते हैं हमको इसमें? प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार के कारण से बांग्लादेश और भारत दोनों चाहते हैं कि इसकी भूमि हमारे कब्जे में या हमारे हिस्से में शामिल हो जाए। हमने संशोधन लाया, नंबर क्या है उसका आपको? ये 100वां संविधान संशोधन। और इसके बाद आपको मान लो जानना हो तो 101 संविधान संशोधन याद होगा, जीएसटी। क्या रहता है? जीएसटी। 102 नंबर पे क्या आता है आपका? ओबीसी आयोग। क्या आता है? ओबीसी आयोग, ठीक है। 103 में आता है जितने भी सामान्य वर्ग के जो आरक्षण की बात करते हैं, 10% है ना,
तो उसकी हम बात करते हैं 103 में, किसमें बात करते हैं 103 में, और 104 की अगर बात करें तो उसमें आता है जितने भी एसटी एससी वर्ग का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ाना, और 105 में राज्य सरकारों को ओबीसी की सूची जारी करने की शक्ति उनको दे दी गई। तो ये सब बातें जो है, आप अभी किसी काम में बैठो जैसे एक अपकमिंग एग्जाम जो भी होगा उसमें आप बिल्कुल संविधान संशोधन याद करके जाइए, 100 के बाद जितने भी आए हैं 99 भी याद करके जाओ कि जो हमारी न्यायपालिका और जो हमारी जो विधायिका के बीच जो द्वंद है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के 99, 100, 101 से लेकर 105 तक सारे संविधान संशोधन आपको याद होने चाहिए कि इस संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है। तो याद रहेगा, हमने फिलहाल क्वेश्चन ये देखा है न्यू मूर आइलैंड की बात कर रहे हैं तो इसके लिए संविधान संशोधन कौन सा होता है आपका, ये 100 है ना, वर्ष कौन सा था आपका 2016 में 100वें संविधान संशोधन से हमने इस विवादित जो विवादित द्वीप है इसका समाधान निकाला और ये बोला कि विवाद का विषय क्यों है। मान लो कल को क्वेश्चन आता है कि न्यू मूर आइलैंड क्यों इतना विवादित है या इसको लेकर के दोनों देश क्यों आपस में एक दूसरे से उलझ रहे थे, तो बताओगे इसमें तेल और प्राकृतिक गैस के क्या होंगे भंडार, उसको लिख लेंगे यहाँ पर, न्यू मूर द्वीप में तेल और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार है इस कारण से ये दिक्कत हो रही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है इंदिरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये, इंदिरा पॉइंट। तो भाई इंदिरा पॉइंट की हम बात करेंगे, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे क्या है आपका दक्षिणतम बिंदु है। अगर हम देखेंगे तो अंडमान निकोबार हमारे भारत के बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में निकोबार जब डिवाइड करते हो गया तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसमें सबसे निचला पार्ट क्या होता है आपका ग्रेट निकोबार, क्या होता है ग्रेट निकोबार, ठीक है। उसी ग्रेट निकोबार की बात करें तो उसी ग्रेट निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है ये, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट की अगर बात करोगे तो उसको हमने और क्या नाम दिया आपका पिग्मेलियन पॉइंट, क्या नाम दिया उसने पिग्मेलियन पॉइंट, और इसको हमने और क्या नाम दिया है पार्सन्स पॉइंट, क्या बोला हमने पार्सन्स पॉइंट, और ये जो पास होता है कितने जाता है 6 डिग्री 45 मिनट, कितना जाता है आपका 6 डिग्री 45 मिनट से होके गुजरता है ये बिंदु, लेकिन आपका वर्ष 2004 की सुनामी के पश्चात ये बिंदु क्या हो चुका है आपका जलमग्न हो चुका है, ये है लेकिन है भारत की सीमा के अंदर ही है, लेकिन ये बिंदु अब ऊपर नहीं है, कहां हो चुका है आपका समुद्र में जलमग्न हो चुका है, ठीक है। ये पूछा जाता सुनामी, क्या पूछते हैं लोग सुनामी कब आया था 2004, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5, अब चलिए इसमें देखो एक्सप्रेशन यही लिखा हुआ है, ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है जिसे हम क्या बोलते हैं पिग्मेलियन, ठीक है, पार्सन्स, और ये जो 2000 वर्ष की सुनामी कारण से क्या हो गया था जलमग्न हो गया था, जो भूमध्य रेखा से ये बिंदु कितनी दूर है आपका 876, ये एग्जाम में भी आ सकता है कि हमारे भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो उस इक्वेटर से कितने दूरी पर, हम बताते हैं 876, ठीक है। तो हमको एक क्वेश्चन से बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है, उसको आप संभाल के रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, रिपीटेड है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो भारत के निम्नलिखित में से कौन सा है जो राज्य जिसकी सीमा अधिकतम राज्यों से क्या होती है आपका मिलती है, ऑब्वियसली कौन सा होगा उत्तर प्रदेश। तो घूम जाइएगा पकड़ करके इधर से ऐसा करके कि जैसे अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश हमारा यहाँ पर मिलता है तो यूपी की अगर बात करो यूपी में सारे के सारे कवर उसको करते हैं, जैसे मान लीजिए भारत में ये है हमारा नेपाल, क्या है अपना नेपाल, नेपाल के नीचे आपने पढ़ा किनारे में क्या पढ़ा होगा उत्तराखंड, क्या पढ़ा होगा उत्तराखंड, ठीक है, और उत्तराखंड के इसी नेपाल के नीचे हमको क्या मिलता है आपका यूपी, यहाँ क्या मिलेगा बिहार, यहाँ मिलेगा झारखंड, ये है छत्तीसगढ़, ये है मध्य प्रदेश, इधर कौन मिलेगा राजस्थान, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मिलेगा हरियाणा, क्या मिलेगा हरियाणा, और ये मिलेगा हिमाचल प्रदेश, और इनके बीच मिलेगा दिल्ली, क्या मिलेगा दिल्ली। तो यूपी की बात कर लो तो देखो घिरा हुआ है सब तरफ से, ठीक है, यूपी घिरा है किससे, पहला उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर बिहार। तो काउंट करेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7 कितने हो गए 8 राज्य हैं। अब इसमें ये पूछा जाता है 8 राज्यों के अलावा हमको मिलता है दिल्ली, क्या मिलता है हमको दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली भी इससे जुड़ा हुआ केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली राजधानी के साथ साथ, ठीक है, इसको आपने नाम सुना होगा एनसीआर, क्या होता है आपका एनसीआर, ठीक है, या बोल सकते हैं राष्ट्रीय, ठीक है, राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलते हैं, मतलब कि देखो किसी भी देश की राजधानी को विस्तार करने के लिए उसको भूमि चाहिए होती है। दिल्ली शहर के बाहर भी इन राज्यों के, जैसे हम बात करते हैं हरियाणा, इसकी हम बात करेंगे हरियाणा, जिनको जिनको सर्कल कर रहा हूं उनको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, अगर हम बात करें हरियाणा, किसकी हम बात करें आपका हरियाणा,
हरियाणा के अलावा हमको मिलता है उत्तर प्रदेश, क्या मिलता है हमको उत्तर प्रदेश, ठीक है स्वयं। ये हो गया राजस्थान, हरियाणा की जगह क्या मिलता है अपने को राजस्थान, ठीक है, और हमको मिलता है दूसरा, ठीक। तो देखो इसमें ये बोल रहा हूं मैं कि कभी पूछा जाता है आपसे कि इस दिल्ली के एनसीआर से, इस दिल्ली के एनसीआर से, इस दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में कौन कौन से, ठीक है, राज्य शामिल हैं। तो देखो हमको मिलता है बाजू में राजस्थान, क्या मिलता है हमको राजस्थान, फिर हमको मिलता है उत्तर प्रदेश, क्या मिलता है हमको उत्तर प्रदेश, मतलब इनके जिलों को हमने दिल्ली के एनसीआर में क्या किया है शामिल किया, ठीक है। एक मिलता है अपने को राजस्थान के दो जिले हैं इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, एक का नाम पड़ता है अलवर, क्या पड़ता है अलवर, और एक का नाम पड़ता है भरतपुर, क्या पड़ता है भरतपुर। तो याद रखना कि राजस्थान का अलवर जिला, राजस्थान का भरतपुर जिला दिल्ली के एनसीआर रीजन में शामिल है, दिल्ली के एनसीआर रीजन में शामिल है, ये आपको जानना है, ठीक है। और तीसरा बनता है आपका यूपी, यूपी के टोटल 8 जिले शामिल है और राजस्थान के 2 जिले शामिल है और साथ साथ हरियाणा के 15 जिले शामिल है, हरियाणा के 15 जिले, राजस्थान के 2 जिले और यूपी के 8 जिले शामिल है। तो क्वेश्चन पूछे मान लो कभी एनसीआर में किस राज्य के सर्वाधिक जिले शामिल हैं या एनसीआर में किस राज्य के सबसे कम जिले शामिल हैं, तो सर्वाधिक जिलों में क्या लेंगे आपका हरियाणा और सबसे कम क्या लेंगे आपका राजस्थान, ठीक है। जिलों की संख्या नहीं पूछेगा उसके निश्चित रहो। हाँ, जहां कम था 2 मैंने बता दिया, दोनों का नाम आपको मालूम होना चाहिए, एक का नाम है अलवर और दूसरा कौन है भरतपुर। तो कोई बता सकता है दोनों की विशेषता, अलवर में क्या मिलता है, जो पढ़े हैं उन तो बता सकते हैं तांबा और चांदी, ठीक है, अलवर झुंझुन और खेतड़ी, याद आया कुछ, ठीक है। और दूसरा जो हमने पढ़ा है नाम क्या आपका भरतपुर, भरतपुर में क्या है आपका पक्षी विहार, क्या है वहां पे पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी। तो यहां पे दोनों याद रखना, दोनों जुड़ते हैं हमारे एनसीआर से, किससे जुड़ते हैं आपका एनसीआर से,